घरानों का इंटरेस्ट की वकालत नहीं करते, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जहां घरानों का इंटरेस्ट क्लैश होता है वहां उनकी बात वो नहीं करते, वहां भी चुप रहते हैं। लेकिन चूंकि ये एक लघु उद्यम की संस्था है और आप कल्पना कीजिए आज से करीब 50-60 साल पहले जब देश में उद्योग की परिकल्पना की गई थी, मेरे ख्याल से हस्त उद्योग के अलावा, टेक्सटाइल उद्योग के अलावा, इंजीनियरिंग में, तकनीकी चीजों में बहुत कम, बहुत ही कम उद्योग थे। और इस इंडस्ट्रियल एरिया में हो सकता है कि यहाँ पे जितने लोग हैं उसमें दो चार ही लोग होंगे जो उन्होंने देखा होगा कि जहाँ आज निरामय अस्पताल बना हुआ है वहाँ पे एक जर्मन के कोलेबोरेशन से एक फायर फाइटिंग की कंपनी मिनी मैक्स के नाम से वहाँ पे हुआ करती थी, शायद नरेंद्र जी को ध्यान में होगा। तो इस तरह से ये देखिए कि उस समय और कुछ कुछ छोटे छोटे सेट बने हुए थे जिसमें इंडस्ट्री छोटी छोटी लगी थी, सेडी होंगे मुश्किल से 1000-1500 स्क्वायर फीट के, तो उसमें कितनी बड़ी इंडस्ट्री लगी होगी आप कल्पना कर लीजिए। और उस समय पे इस एसोसिएशन को स्टार्ट करना और इसको चालू करना, और सबसे बड़ी बात है इतने लंबे समय तक जिंदा रखना, ये भी एक वाकई हमारे जितने लीडरशिप है पुरानी, सिर्फ उसमें अध्यक्ष नहीं बल्कि और लोग भी हैं। मेरा सौभाग्य है कि शायद मैं 1984 में इस संस्था का अध्यक्ष बन गया था, एंड मे बी उस समय मैं वन ऑफ द यंगेस्ट मेंबर था, चूंकि नए लोग आ नहीं रहे थे। और नए लोगों का जब आना शुरू हुआ 60 के दशक में, कुछ नए लोग आए तो बुदाना वगैरह में, तो उन लोगों का इंडस्ट्री एसोसिएशन वगैरह से कोई लगाव जुगाड़ नहीं था, उनका अपना एंसिलरी एसोसिएशन बहुत तगड़ा था और वो सोचते थे कि हम धौसा के, हड़का के और HEC के एंसिलरी के नाम पे कुछ कुछ काम उनसे निकलवा लेंगे। और ये सच भी था कि HEC वाले या CCL वाले अपने एंसिलरी इंडस्ट्री एसोसिएशन के अलावा दूसरे की बात सुनते भी नहीं थे। कालांतर में जब राज्य बना तो राज्य बनने के कुछ पहले हमारी एक पहचान, एक विशेष पहचान 1998 में हुई, जबकि अभी कोई चर्चा कर रहे थे टी नंद कुमार के बारे में, वो आए भी थे यहाँ पे, उनके प्रेरणा से लोगों ने उद्योग मेला लगाया और एक उसका पॉलिटिकल मैसेज भी था कि हम चाहते थे कि झारखंड को एक पहचान बताना कि हम बिहार से अलग है, हमारे यहाँ उद्योग है और ये प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। काफ़ी सक्सेसफुल हुआ, काफ़ी उसमें मेहनत भी हुई। उसके बाद में जो जो 2000 में मुझे याद है कि आडवाणी जी आए थे झारखंड का उद्घाटन करने, और मात्र 15-20-25 दिन के नोटिस पे उद्योग मेला लगा था, बरसात में भीगते हुए लोगों ने काम किया था और जितने अपने सदस्य थे वो वॉलंटियर्स के तौर पे रात दिन, मेरे ख्याल से कई लोग ऐसे थे कि सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11-12 बजे तक, लेकिन एक बड़ी दोस्ती का, क्लोजनेस का माहौल था और बहुत सक्सेसफुल हुआ। और वो सक्सेसफुल होना एक दो बार उसके बाद और हुआ और वो अपने लिए एक भारी पड़ने लग गया, क्योंकि बहुत लोगों को पच नहीं रहा था कि ये उद्योग मेला इतना सक्सेसफुल कैसे चला जा रहा है और इतने कम बजट में कैसे हो रहा है। और जब कम बजट में आप चला रहे थे तो लोगों को लगा इसका बजट बड़ा होना चाहिए, तो लोगों ने बड़ा बजट भी किया और फिर बड़े लोगों को इन्वॉल्व भी किया, फिर बड़ी बड़ी बातें हुई, आज भी हो रही है, काफ़ी बड़ी बड़ी बातें हो रही है, विश्व स्तर की बातें हो रही है, मैं नाम नहीं ले सकता, आपके दिमाग में नाम घूम रहा होगा।